सालों में भारतीयों का पसंदीदा त्योहारों में से एक होली ये त्योहार आने वाला है, किंतु कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार ने सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण रूप से सावधानियों के बीच मनाने का आह्वान किया है, जिसके तहत ही सरकार ने एक सूचना पत्र जारी कर नागरिकों को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए किसी भी प्रकार की भीड़ ना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरलता से ये त्योहार मनाएं। 29 मार्च को होने वाले रंग पंचमी पर भी एक दूसरे पर रंग डालना, पानी डालना, गुलाल लगाकर होली खेलना आदि बातों के दौरान कोरोना का संक्रमण ना हो सके, इसका विशेष ध्यान रखें। होली के अवसर पर विशेषकर कोकण में पालकी निकाली जाती है, किंतु इस वर्ष पालकी घर घर ना जाते हुए मंदिरों में ही दर्शन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने योग्य उपाय योजना करे व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो सके, इस पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। कोविड-19 वायरस को रोकने के लिए शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, साथ ही संबंधित महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, स्थानिक प्रशासन ने उपरोक्त नियमों का कठोरता से पालन कर नागरिकों को जागरूक करने का काम करें, ऐसा सूचित किया गया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।